इतना शानदार स्वागत के लिए यार, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो स्वागत है दोस्तों मेरे आयरन हार्ट नामक चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक इजी सा बहुत शानदार और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। आप थंबनेल में तो देख ही चुके होंगे क्या एडिट करने वाले क्या नहीं। तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप नॉर्मली आपको पिक्सआर्ट डाउनलोड करके उसे ओपन कर लीजिए और मैं जिस तरीके का फ़ोटो क्लिक किया हूँ आप सेम उसी टाइप का फ़ोटो को क्लिक करवा लीजिए। आउटडोर में क्लिक करवाए, बैकग्राउंड से मतलब नहीं यार, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों एक खास चीज़ है कि मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दूंगा, मतलब कुछ PNGs दूंगा, उसे आप सिंपली डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको बैकग्राउंड मिलेगी कार वाले, उसे डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं ऐड करने के बाद आपको ड्रॉ वाले टूल पे जाना होगा। उसे ऐड करने के बाद सिंपली आप जो फोटो को क्लिक किए हैं जिस हिसाब से, मैं देख लीजिए मैं जिस हिसाब से फ़ोटो को क्लिक किया हूँ जिस तरीका के, आप उसी तरीका का क्लिक करवा लीजिए। अगर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका का आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो काफ़ी नॉर्मल तरीका है यार, बैकग्राउंड से मतलब नहीं, आप कहीं पर भी क्लिक करवा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, बाहर घर में जहाँ पर आपका मन करे। देख सकते हैं उसे क्रॉप करना है यार, बैकग्राउंड को मतलब ही नहीं है। उसे क्रॉप करने के बाद नॉर्मली आप देख सकते हैं कटआउट करने के बाद, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके को आपको ऐड कर लेना पड़ेगी। आप सिंपली ऊपर जाके लेयर पे जाके आपको एक्स्ट्रा MPT लेयर ऐड करना पड़ेगा। MPT लेयर इसलिए ऐड करना पड़ेगा, कुछ गलती हो गया तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एक PNG थी स्केटबोर्ड वाली, उसे ऐड करके आपको जो हैंड है हैंड पे फिट करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से थोड़ा आपको फील आए कि हाँ वो आपका स्केटबोर्ड है। कोई आप बाद में उसे ऐड ना कर रहा है, फिर आपके पास असली स्केटबोर्ड है तो आप ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत किसी के पास नहीं रहता यार। तो नॉर्मली देख सकते हैं उसे ऐड करने के बाद हमें MPT लेयर और चाहिए। उसके बाद आप ब्लैक आउट देख सकते हैं, यहाँ पे हम कितने सारे MPT लेयर किए हैं, अलग अलग किए हैं कि अगर कुछ गलती हुआ तो हम उसे डिलीट करके दोबारा ऐड कर सकते हैं, बाकी जो फोटो है वो मैसअप मतलब गंदा ना हुआ यार, या फिर गलत ना हो जाए इधर उधर। तो नॉर्मली देख सकते हैं इसका ओपेसिटी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो फिंगर है फिंगर दिखनी चाहिए कि हम उसे पकड़े हुए हैं। तो नॉर्मली आप इस तरीका से करके उसे कर लीजिए अपने फिंगर में कि लगे कि हाँ आप उसे पकड़े हुए हैं। तो नॉर्मली आपको PNGs मिलेगी, देख सकते हैं कुछ 5-6 PNG होगी, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप नॉर्मली उसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड नहीं होगा यार तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा उसका तरीका डाउनलोड करने का क्या है क्या नहीं है। नॉर्मली आप देख सकते हैं कुछ लेयर को नीचे कर दीजिएगा फोटो को, तो अपने आप वो फिट हो जाएगी जो शैडो वाली है, लगना चाहिए आप बैठे हुए वो शैडो नीचे आइए। आपको दो ऐड करनी पड़ेगी MPT लेयर के साथ कि कुछ दिक्कत ना हो जाए। नॉर्मली आपको उस फोटो में जो नीचे है पैर के पास वहाँ पे ऐड कर लेनी है कि लगे आपका शैडो नीचे है, या फिर हल्का हल्का इरेज कर लीजिए। और दूसरा MPT लेयर ऐड करने के बाद नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक आउट फिट देना पड़ेगा कि हाँ शैडो लाइट इस तरफ से पड़ रही है तो शैडो हमें किस तरफ देना है। नीचे शैडो ज़्यादा होना चाहिए, ब्लैकेस्ट कर दीजिए या नीचे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अभी मैं एक दो और PNG दूंगा जिसका इफेक्ट आपको लगानी पड़ेगी कुछ देर में, तो आप देखते जाइए यार। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर आपको नए नए फोटो देखना तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे बता दे फोटो डालते रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं मेरा को। देख सकते हैं यहाँ पे ऐड फोटो को ऑप्शन है, मैं बोल रहा था कुछ PNG दूंगा 2-3 जो स्मोक वाली होगी, देख सकते हैं उसे बड़ा करके आपको नॉर्मली उसे स्क्रीन करना पड़ेगा कि ब्लैक वाले हट के जो स्मोक है सिर्फ स्मोक दिखे कि नीचे से हाँ स्मोक आ रही है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है यार, तो नॉर्मली उसे हम कर लेंगे। उसके बाद लाइट वाली देगी जो ऊपर से करना पड़ेगा, उसमें भी उसकी भी हम स्क्रीन कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हो चुकी है हमारी, यहाँ पे पिक्सआर्ट का काम हो चुका है कि ऐड फोटो और जो कलरिंग वगैरह था हल्का फुल्का यहाँ पे हो चुका। अब हम जाएंगे इसे लाइट रूम में लेके, तो बस नॉर्मली हम उसे लाइट रूम में ऐड कर लेंगे। अब मैं आपसे फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि मेरे जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी तक जाती रहे और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देखें। देख सकते हैं यहाँ पे लाइट को तो हमें नहीं छेड़ना है, जो ब्राइटनेस है उसे नहीं छेड़ना है, क्योंकि लाइट तो वैसे ही हल्का फुल्का, अगर आप अंधेरा में तो उसे उजाला कर दीजिए। उसके बाद हमें कॉन्ट्रास्ट ISO ये सब हल्का हल्का बढ़ाना है, हमें जैसे करते जाते आप उसे करते जाइए, तो नॉर्मली करते जाइए तो अच्छा होगा। वीडियो देख देख करते स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप करेंगे तो आप समझ ही सकते हैं, एक दो स्टेप आप अगर स्किप करेंगे तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगा कि यह कैसे हुआ या कैसे नहीं हुआ। देख सकते हैं हम वहाँ पे कुछ कुछ रेड कलर का स्केटबोर्ड में दिए हुए, तो रेड को अगर हम कलर को आगे पीछे करेंगे तो रेड कलर ज़्यादा निखरेगी, तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे कलर के साथ खेलने का है, तो आपका जो जैसा कलर जो ड्रेस पहने उस हिसाब से भी कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू कलर का पहना तो मैं ब्लू को आगे पीछे कर सकता हूँ, आप कोई और कलर का करेंगे तो आप उसे कलर को चेंज कर सकते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो क्लियर है वो क्लियरनेस है उसे बढ़ा के टेक्सचर को भी बढ़ाना पड़ेगा, और नॉइज़ को भी, नॉइज़ जो कलर नॉइज़ है उसे भी बढ़ा दीजिएगा कि ज़्यादा जो कलर को नॉइज़ दे रहा है वो ना हो। देख सकते हैं हमारे फ़ोटो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको जो स्टेप बताता हूँ जो नीचे से ब्लैक करेंगे, अरे यार स्क्रीन पे थोड़ा सा वो स्क्रीन थोड़ा सा टच नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा टच हो रहा है जल्दी से, सॉरी यार थोड़ा सा स्क्रीन टच नहीं हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, ऑयल कोई बात। देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर देख सकते जो स्क्वायर वाली शेप है उसे हम नीचे से हल्का सा ऊपर तक ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे कि नीचे से जो हमारी जो ब्लैक शेडो है जो नीचे से ब्लैकनेस आएगी तो वह पैर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगी, हमें उसे हल्का सा ब्लैक करना, ज़्यादा नहीं करना है। देख सकते हैं कुछ इस तरीका से, मैं यह चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। देख सकते हैं हमारे फ़ोटो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, पहले कैसी थी अब कैसी है, स्टार्टिंग साथ देखे जाए तो बैकग्राउंड चेंज करने के बाद हमारी कैसी हुई, उसके बाद कैसी हुई, सारा स्टेप यहाँ पे दिखी हुई है आपको। नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पे जाने के बाद जैसा क्वालिटी में आपको चाहिए, तीन तरीका का यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, उस क्वालिटी में डाउनलोड कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप फोटो को पहले देखिए उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। होप यार आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो या फिर एक बार चेक कर लीजिएगा, इसी तरह का वीडियो आपको मैं देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।